की ओर। बीजेपी में नाराज नेताओं को मनाने की कवायद तेज। आज सोनीपत पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। पूर्व मंत्री कविता जैन से मुलाकात कर सकते हैं मोहनलाल बड़ोली। टिकट कटने से पूर्व मंत्री कविता जैन नाराज हैं। और कल जिस तरह से फूट फूट कर रोती हुई भी नजर आई थी कविता जैन। बीजेपी में नाराज नेताओं को मनाने की कवायद तेज हो गई है। आज सोनीपत पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। पूर्व मंत्री कविता जैन से मुलाकात कर सकते हैं। टिकट कटने से पूर्व मंत्री कविता जैन नाराज नजर आ रही हैं। सोनीपत से निखिल मदान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी में नाराज नेताओं को मनाने की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। किस तरह से फूट फूट कर रोते हुए नजर आई थी, उनके आंसू छलकते हुए नजर आए थे कविता जैन के, तो नाराज नेताओं को मनाने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और अब ऐसे में सोनीपत पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, क्योंकि पूर्व मंत्री कविता जैन से मुलाकात कर सकते हैं। कल भी जिस तरह से उनके आंसू छलकते हुए नजर आए थे कविता जैन के, अब ऐसे में क्या बीजेपी नाराज नेताओं को मना पाएगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। उसके अंदर ये जो पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है, इसका कोई भी रोल नहीं था। उसने पार्टी की जीत के बाद पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और हमें समझ नहीं आता पार्टी को इसकी जरूरत क्या थी। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी। और जब तक डटी रहेगी, जब तक पार्टी अपना फैसला नहीं बदल लेती। और निसंदेह हम एक दो दिन वेट करेंगे और उसके बाद जैसा कार्यकर्ता चाहेंगे वैसा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, देखिए बीजेपी में नाराज नेताओं को मनाने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली सोनीपत जाने वाले हैं, क्योंकि कविता जैन जिस तरह से कल रोते हुए भी नजर आई थी और आंसू छलकते हुए उनके नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की चीफ की तरफ से तमाम नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो नाराज हैं उनको मनाया जाए, उनको पार्टी से छिटकने ना दिया जाए, उनको कहीं ना कहीं समझाया जाए। तो उसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए पहुंचे थे। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली सोनीपत जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कविता जैन जो पूर्व मंत्री है उनको मनाने का प्रयास करेंगे। देखना होगा कि इन प्रयासों से कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से तमाम जो नेता नाराज हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है और शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि कोई भी पार्टी का नेता, पुराना नेता या कार्यकर्ता पार्टी से छिटके। तो उसी कड़ी में तमाम नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जो है वो सोनीपत जाएंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो कविता जैन को मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा अगर वो मनाने जाते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन कविता जैन की तरफ से आता है, किस प्रकार से वो उनकी बात सुनती हुई नजर आ सकती है। कल कर्णदेव कंबोज ने मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री जब उनको मनाने पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं नाराजगी मुख्यमंत्री के भी सामने रखते हुए नजर आए। जब मुख्यमंत्री ने उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो वो हाथ भी नहीं मिलाते हुए नजर आए। इस कदर कई नेता जो है वो नाराज है और बीजेपी का शीर्ष नेता तो चाहता है तमाम जो रूठे हुए हैं उनको मनाया जाए, तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़े रखा जाए। बिल्कुल, देखिए रवि, यहाँ पर एक सवाल ये भी बना हुआ है, जिस तरह से विप्लव देव का ये बयान भी सामने आया था कि सभी को टिकट देना संभव नहीं है, तो वहीं सीएम नाथ सिंह सैनी का ये भी कहना था कि जो नाराज चल रहे हैं नेता उन्हें जल्द ही मना लिया जाएगा। और बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं संभव तो बिल्कुल नहीं है कि तमाम नेताओं को टिकट दिया जाए, और जिस प्रकार से टिकट वितरित किए गए हैं तो उसके बाद जिस प्रकार की नाराजगी देखने को मिली है, उन नेताओं को मनाने के लिए प्रयास लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं अभी तक 68 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से वितरित की गई है, बाकी की 23 सीटें और आती हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी ये चीज देखना चाहेगी कि किस
इस प्रकार की स्थिति जो है वो कम से कम 23 सीटों को लेकर ना बने, तो 23 सीटों को लेकर भी मंथन जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है अलग से, और तमाम नेताओं की ड्यूटियां लगाई है रूठे हुए को मनाया जाए। कई तस्वीरें कल हमें देखने को मिली किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहकर के काम कर रहे थे उनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिली, तो अब कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को मनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। चलिए रवि, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी में नाराज नेताओं को मनाने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अब बगावती सुर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे रोकेगी, कैसे मनाया जाएगा,